हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? अभी मैं यासिर भाई के पास आया था और यासिर भाई सोए हुए हैं क्योंकि ये जॉब वगैरह पे भी जाते हैं, इसलिए थके हुए हैं। चले अभी हम इनको उठाने चलते हैं। ये देखिए कैसे लंबे सोए हुए हैं जानवरों की तरह। ये लगता है भाई यासिर भाई ये मूवी वगैरह देख के कौन सोता है यार? मूवी देख के कौन सोता है? पागलों वाली आदत होती है। यासिर भाई सोने दो यार, बहुत थका हुआ यार, जॉब से आया था। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है ये यासिर भाई। चलो उठो यार, जॉब से आया था, बहुत थका हुआ यार। चलो चलो ये मूवी देखते देखते कौन सोता है? पागलों वाली हरकत होती है ये। हसन भाई सोने दो यार, बहुत थका हुआ मैं। गजब टूबी बाज आदमी। अरे चलो अभी उठो, चलो यासिर भाई चलो सोने दो भाई। चलो चले गए अभी यासिर भाई दूसरे में, अभी इनको उठाते हैं, फिर हम आपको बाद में मिलते हैं। 5 minutes later हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो गाइस अभी मतलब मैंने नींद से उठा था और मुझे अभी भी बहुत नींद आ रही है, बहुत मतलब है ना नींद भी आ रही है मुझे। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा और सर में भी मतलब इतना दर्द हो रहा है। तो चले फिर बाकी हम लोग आपको सीधे है ना यार चेंज वेंज करके, अभी तो मैं थोड़ा ये अपना कुत्ता शूता लग रहा होगा। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? लोग आपको है ना चेंज वेंज करके इसके बाद आपसे बात करते हैं। A few moments later. Hello guys, assalamu alaikum, कैसे हैं आप सब? तो guys welcome back to another vlog. तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है guys ठीक ठाक होंगे, सब कुछ खैरियत से होगा। और मैं अभी है ना कपड़े शपड़े मतलब अच्छी तरीके से पहन वहन के आ गया था। असल में मैंने सोचा यार वहाँ पे थोड़ा मतलब है ना निंदू में मेरा वेलकम हुआ तो इस वजह से मैंने सोचा यार दोबारा से कर लूं। और हसन पे आप क्यों इतना हंस रहे थे अभी? क्या इनको हंसी आ रही है? देखो मैंने असल में ये बोला ना विलाक, इनको इसमें हंसी आ रही है, क्या इनको बोल सकते हैं। और एक इनको हंसी आती है वीडियो में, इनको भी हंसी आ रही होती है। और हसन भी मतलब है ना यार आज हमारा कुछ सीन ऐसा है कि मतलब है ना मैं आपसे ना मतलब अपन दोनों एक दूसरे से पहली पूछेंगे। सही। पहली, लेकिन उस पहली में मतलब जो दो पहली का भी जवाब दे देगा उसको मैं मतलब हम दोनों जाएंगे बोतल पीने, जो भी है असल में वो फिर बाकी बोतल पिलाएगा, वही करवाएगा, सब कुछ वही करवाएगा। अगर हारा तो, और जीतने वाला तो आपको पता है जीतने वाला तो हार मतलब है ना हारने वाला जीतने को पिलाएगा ही। तो चले फिर बाकी हम लोग अपनी पहली का गेम स्टार्ट करते हैं। और गाइस फाइनली अभी हसन भाई और मैं मतलब है ना पहली वाली गेम खेलने के लिए बैठ गए। तो चले फिर बाकी हम लोग गेम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली पूछेंगे हसन भाई। तो हसन भाई चले पूछें, वो कौन सी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान अमेरिका से बहुत आगे है? क्या वो कौन सी चीज है जिसमें पाकिस्तान अमेरिका से बहुत आगे है? गाइस ऐसी कौन सी चीज है यार जो मतलब पाकिस्तान अमेरिका से मतलब आगे है? कौन सी चीज हो सकती है यार? अगर आपको भी बताओ मतलब है ना पता हो तो कमेंट में जरूर बताना। वैसे मन सोच रहे हैं क्या होगा। नहीं पता पक्का। वक्त पाकिस्तान 10 घंटे आगे है। ओ गाइस फाइनली अभी हसन भाई ने यार कैसा जवाब दिया यार, हैरत की बात है यार, 10 घंटे पाकिस्तान से आगे है यार, खुद ही सोचो यार। मतलब है ना मेरे को तो लगता है मतलब है ना 10 घंटे जो भी पहले होने वाला होगा ना तो फिर बाकी पाकिस्तान लगता है अमरीका में फ़ोन लगा के कि भाई आपके साथ 10 घंटे बाद ये होने वाला है। गजब टूबी बाज आदमी, तो देख लेना थोड़ा संभाल लेना। सही है, तो चले हसन भाई अब बारी है मेरी। सही है, स्टार्ट करूं? हसन भाई ऐसी कौन सी चीज है जिसको मतलब एक जगह लोग 10 लोग जाते हैं, सही है, लेकिन आते 9 है। कौन सी चीज है 10 लोग जाते हैं एक जगह लेकिन आते 9 है? कौन सी ऐसी चीज है? इनसे रिएक्शन तो देखो, जैसे पता नहीं क्या कौन सी चीज होगी गाइस यार, आप भी कमेंट में बताने यार।
आप तो बताओ पहले कौन सी चीज है। कब्रिस्तान। हाँ? कब्रिस्तान। तो गाइस फाइनली अभी इन्होंने सही जवाब दे दिया है, सही जवाब दे दिया इन्होंने। कैसा अच्छा जवाब दिया है, नाइस जवाब दिया है, काफी स्ट्रेट, काफी मतलब मजेदार वाला जवाब दिया है। तो हसन में बाप की बारी है, चले। और आपका एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट मेरा हो गया, टोटल है 3 पॉइंट का जीतने का। दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज कौन सी है। दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज है असल में पानी। नहीं, पानी है, पानी के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। नहीं, फाइनली पानी है। नहीं, ऐसी कौन सी चीज हो सकती है, इस्तेमाल होने वाली चीज कौन सी है, इस्तेमाल होने वाली, 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 इस्तेमाल होने वाली। गाइस आप लोगों को पता होगा ना तो फिर बाकी कमेंट में ज़रूर बताना, सही है। हसन भाई माजरत के साथ था, नहीं पता। नहीं आ रही वापस से। पैसा। अरे यार यार ये तो गलत बात है यार, मेरे को पता भी, ये तो दांत फाड़ फाड़ के हंस रहे हैं। लेकिन देखो यार मुझे मुझे नहीं पता था यार ये पहली। तो हसन भाई मेरी बारी है, सही है। आसान भाई ऐसी कौन सी चीज है जिसको जिसको अपन देख सकते हैं लेकिन उसको अपन पकड़ नहीं सकते, बताओ। सोचने 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 का दिमाग में अभी से घंटियां चालू हो गई हैं। सोचो सोचो सोचो, वापस से बताएंगे। ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप देख सकते हैं लेकिन पकड़ बिल्कुल भी नहीं सकते, सोचो सोचो सोचो। आपके पास वक्त है, सिर्फ मैं 5 तक गिनती गिनूंगा। 1 2 3 4। 4 में आसान भाई ने हार मान ली है, तो आसान भाई वो है साया। देखो गाइस वो है साया। तो मेरा भी 1 पॉइंट हो गया, आसान भाई का भी 1 पॉइंट हो गया। तो आसान भाई अब आप पूछे दोबारा से एक पहेली और। इस चीज का नाम बताएं जो गरम करने पर जम जाती है। गाइस ऐसी कौन सी चीज होगी यार जो गरम करने पर जम जाती है। ये फंस गया। एक आइट नहीं यार, नहीं वो तो पिघलती है। ऐसी कौन सी चीज है, आप लोगों को पता हो ना तो फिर कमेंट में जरूर बताना कौन सी चीज होगी यार। और सबसे मजे की बात पता है, ये जीतने वाले को हम लोग है ना 100-100 रुपये इनाम भी देंगे। मतलब मैं जीता तो आसान भाई मुझे देंगे, और अगर आसान भाई जीते तो आपको पता है मेरी 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 जेब ढीली होनी पड़ेगी। फिर चलो हम लोग सोचते हैं यार कौन सी ऐसी चीज़ है यार जो गरम। मैं कभी हारता नहीं हूँ। बस कर जाओ, बहुत दफा आ रहे हो। नहीं जी। यार क्या है, वापस से पहली बताऊं। नहीं 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 स्किप करो इसको भी। नहीं नहीं आ रही, बता दो जा। अंडा भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। यार ये कौन सी कहानी हो गई, अंडा। इस चीज का नाम बताएं जो गरम करने पर जम जाती है। जब अंडा जो साबुत होता है वो तो पिघला हुआ होता है, उसको तोड़ते तो अंदर से वो रस निकलता, सही ना भाई। तो अरे हाँ बिल्कुल ही, बात इनकी सही थी, सही थी, सही थी, सही थी, सही थी। अब हसन भाई मैं आपसे पूछता हूँ कि मतलब एक समंदर है, 2 पॉइंट हो गया। एक समंदर है, आपके 2 पॉइंट हो गए, मेरे 1 पॉइंट है। एक समंदर है, बहुत बड़ा समंदर है, बहुत बड़ा, जो बहुत बड़ा समंदर है, लेकिन उसके बराबर में एक कश्ती टूटी हुई पड़ी हुई है आपको है एक साइड पर, और आपको दूसरी साइड जाना है, तो आप कैसे जाओगे। समंदर भी बहुत मतलब तूफानी तरीके से हो रहा है, तो आप कैसे जाओगे। क्यों चले गए, जा पूछ के। कैसे जाओगे आप, आपको अगर ये इसका आंसर बताओ तो कमेंट में बताना, मुझे तैयार नहीं आ रहा। वो तो कमेंट में बता देंगे, लेकिन आप बताओ। इनको जवाब अभी तक नहीं आ रहा। स्किप बताओ। यार जाहिर सी बात है कश्ती टूटी हुई तो कश्ती को बना के बंदा जा सकता है। गाइस कश्ती को बना के आराम से बंदा जा सकता है, क्यों जा सकता है ना कश्ती को बना के। नहीं तो नहीं जा सकता, जा सकता है ना। चलो
तो हसन भाई, तो आपके दो पॉइंट। अभी आखिरी पहली है, आखिरी आपकी, आखिरी मेरी। अब देखते हैं कौन जीतता है इसमें, आप पूछो। सही है, बताओ पाकिस्तान के किस शहर को तो इनको पढ़ना नहीं आता ना, हमारे लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है। पाकिस्तान के किस शहर को लिखते वक्त 15 नुक्ते लगाने पड़ते हैं? बेटा तुमसे ना हो पाएगा, 15 नुक्ते लगाने पड़ते हैं। हाँ। पाकिस्तान के किस शहर को लिखते वक्त 15 नुक्ते लगाने पड़ते हैं? आई थिंक कश्मीर, नहीं कश्मीर पाकिस्तान में कहा है, सॉरी। क्या होगा, 15 नुक्ते लगाने पड़ते हैं गाइस। अगर आप लोगों को पता हो ना कि पाकिस्तान में कौन सा ऐसा शहर है जिसको मतलब उर्दू में लिखते वक्त 15 नुक्ते लगाने पड़ते हैं, तो ज़रूर बताना आंसर इसका क्या हो सकता है। अच्छा हम ढूंढ रहे हैं, बताओ क्या होगा। मुझे भी पता नहीं है, हसन भाई को भी पता नहीं है यार, क्या हो सकता है। चलो अपन स्किप करते हैं, कोई मसला नहीं, स्किप। बताओ, बता दो। पाक पतन शरीफ। यार ये क्या बात कर रहा है बंदा, इतना छोटा था लेकिन ये वही है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बड़ा हरामी हो बेटा, ये वही बंदा है। तो हसन भाई मेरा जवाब है आपसे, मतलब यार बात सुनो, एक चीज़ है जिसको अपन ज़मीन में गाड़ देंगे वो फिर भी जिंदा रहेगी। अच्छा पौधा। हाँ पौधा, थोड़ा और सोचो। ज़मीन में गाड़ देंगे फिर भी वो जिंदा रहेगी। तो फाइनली हसन भाई जीत चुके हैं, पौधा इन्होंने सही जवाब दिया था, बिल्कुल ही पौधा इन्होंने सही जवाब दिया था। तो गाइस अब आपको पता है मेरी जेब से 100 रुपये जाने वाले हैं, तो चलें फिर बाकी हम लोग इनको 100 रुपये देते हैं। लेकिन इन्होंने मुझे बोला यार यासिर भाई टाइम भी बहुत हो गया है, सही है, तकरीबन कितने बज रहे हैं ये, तकरीबन अभी टाइम हो रहा है देखें 1:16 हो रहा है टाइम, तो हम लोग इनको 100 रुपये देते हैं, देखते हैं ये क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो हम लोग चलें इसी के साथ फिर बाकी हम लोग है ना। हसन भाई मेरा पर्स है ना यहाँ पर पड़ा हुआ होगा, या आप लाइट ऑन करें, मैं वहाँ पर आता हूँ, लाइट ऑन करें। चलें फिर बाकी हम लोग चलते हैं, इनको 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 असल में घर में ना कुछ मिलता ही नहीं है, क्या है क्या नहीं है। और 100 रुपये देखने की बंदे की खुशी देखें, 100 रुपये भाई 100 रुपये, पहली दफ़ा इनको पैसे मिलने ना, असल में यही तो इनका मसला है, पहली दफ़ा इनको पैसे मिलने होंगे, यही तो। ये तो एस लिखा हुआ है लेकिन एस से मेरी जानू का नाम आता है। ओ मजाक कर रहा हूँ भाई, दो खोल दो, दो खोल वो व्लॉग भी देखती है मेरे, सही है, तो तमीज से बात करना। रुक जाओ अपन निकालते हैं यार, 100 रुपये यार, एक हाथ से व्लॉगिंग करना दूसरे हाथ से कुछ और काम करना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं, सब कुछ करेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं, हम लोग सब कुछ फिर भी करेंगे। तो हसन भाई फाइनली अभी मैं आपको बड़े दुख के साथ, बड़े होशो आवाज के साथ 100 रुपये अगर ना दूं तो आप सुनते भी थे गाइस, फाइनली अभी बच्चे ने 100 रुपये जीत लिए, 100 रुपये ही क्योंकि इनका 200 रुपये वाला मुंह नहीं है, 100 रुपये देते हैं। चलो भाई आपके 100 रुपये। गुड की स्पेलिंग सुना ना, GOOD गुड। वाह बच्चे मतलब KG1 में पास हो गया है। तो चलें फिर बाकी हम लोग इसी के साथ हम लोग व्लॉग को भी एंड करते हैं। तो गाइस मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलें और भाई को सपोर्ट करें, सही ना भाई, सपोर्ट फुल। ओके गाइस अल्लाह हाफिज़।